हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं एक नए एपिसोड में। आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं राफ्ट, और अभी यहाँ पे हमारा राफ्ट जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज हम लोग अपने राफ्ट में एक बेस बनाने वाले हैं जहाँ पर हम लोग आराम से रह सकते हैं, और अपनी जो चीजें पूरी बिखरी पड़ी है पूरे राफ्ट में उनको अरेंज करने वाले हैं अच्छी तरीके से। फिलहाल सनसेट होने को है यहाँ पे, और मेरे सामने मुझे एक राफ्ट दिख रही है अबेंडेंट वाली, जिसमें ऊपर एक चेस्ट रखी हुई है, और मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा जायंट सा माउंटेन है। अब ये मुझे नहीं पता कि शायद इसको मैंने पहले लूट लिया या फिर मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, हो सकता है कि नया भी हो, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, कहीं भी निकल ले रहा हूं। पहले मेरे को रिसोर्सेज कलेक्ट करने, जब रिसोर्सेज हो जाएंगे तब जाके हम लोग फिर जो बाकी का काम है वो कर पाएंगे। फिलहाल भूख लग गई मेरे को बहुत ज्यादा, मैंने फिश वैसे यहां पर लगा रखी है। मैंने ना खाने वाने का मतलब ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है, मुझे अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं खाने की, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं अपने जो चेस्ट है। देखो यहां पर पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट खाने का ही सामान है, देख लो यहां पर फिश देख लो। तो मैं इसको ना एक निकालता हूं यहां पे, और इसको मैं रख देता हूँ कुक करने, क्योंकि अभी वापस से मेरे को खाने की जरूरत। अरे यार ये तो छोटी वाली है, मुझे लगा था कि ये मतलब बड़ी वाली फिश है। एक बड़ी वाली फिश है ना, वो एक बार में एक ही रख पा रहे, तो मुझे ये वही लगी थी। वो ना राफ्ट बहुत दूर जा रही है यार, मैं एक बार पैडल बना के चल लूँ क्या उधर पे? ये तो शोवेल है ना। ओके पैडल बनाते हैं हम लोग एक बार। प्लास्टिक की मेरे पास प्लैंक नहीं है, प्लास्टिक नहीं। ओके मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो चेस्ट है हमारे पास, इसमें प्लैंक्स हैं बहुत सारे, इस चेस्ट में हमारे पास प्लास्टिक है, इसमें हमारे पास बाकी सारी चीजें। तो फिलहाल एक पैडल मैंने क्राफ्ट कर लिया है, और अब हम लोग ना उसकी तरफ को जाते हैं। वैसे पीछे माउंटेन भी दिख रहा है, तो माउंटेन भी हम लोग लूटेंगे। लेकिन उससे पहले ना, अगर आप लोग देखो मैंने यहाँ पर कलेक्शन नेट बना रखे हैं बहुत सारे, मेरे को ना और भी ज्यादा बनाने, क्योंकि फिर भी उतने करने के बाद भी आसपास जितना भी सामान है मैं सब कुछ कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने थोड़ा सा देखा था, तो अगर हम लोग 35 के अराउंड या 30 के अराउंड शायद हम लोग कलेक्शन नेट बना लेते हैं, तो ओशियन में हमारे आसपास जितना भी कुछ तैर रहा है ना, वो हम लोग आराम से सब कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मैं बेस बनाने की बात करूं, तो बेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वुड का इकट्ठा होना। मेरे पास वुड तो है, बट शायद इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि मैं अपने लिए बेस बना पाऊं। तो पहले हमको कलेक्शन नेट से कलेक्शन करना होगा बहुत सारे वुड का, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आसपास जो माउंटेन मेरे को पीछे दिख रहा है मैं वहीं तक जाऊंगा, क्योंकि वो दिख रहा है आसपास। तो हम लोग थोड़ा अपने टूल्स वगैरह को भी अपग्रेड करेंगे। मैंने टूल्स अपग्रेड किए तो थे लास्ट एपिसोड में, बट क्या हो रहा है कि ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जा रही है। तो मेरे को मेटल, मेरे पास शायद 4 या 5 इनगेट मेटल्स के हैं अभी, तो मेरे को ना थोड़ा और ज्यादा चाहिए होगा, जिससे क्या होगा कि हम कुछ जो चीजें हैं बनाने के लिए वो बना सकते हैं। और अगर जब बेस बनाएंगे तो हो सकता है कुछ कुछ चीजें उसमें के लिए भी उस टाइम पे भी जरूरी हो, हमको चाहिए होती हो, तो उसके लिए भी काम आएंगी। फिलहाल यहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है, और बाकी और कुछ भी नहीं है, तो यहां से हम लोग चेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। ये प्लास्टिक वगैरह भी कलेक्ट करने का होता होगा ना, होता ना बड़ा सही रहता, मतलब जिसने भी ये राफ्ट बना रखी है मतलब अच्छा डिजाइन नहीं बना रखा है, मैं इससे बेटर बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी चीजें मिल गई, इसको ले सकते हैं कि हम? नहीं, इसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी है किसी की। ओ शिट, नहीं, बच गया। मेरे को ना शार्क दिख रही थी, ये डूब क्यों जाती है यार? मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, पता नहीं मतलब जब हमारे पास ये तो और हल्की हो जानी चाहिए ना। अभी देखो यहाँ से इसने मेरे को दिमाग खराब कर दिया। तो कलेक्शन नेट मैंने बीच में लगा रखे, क्योंकि अगर राफ्ट टूटेगी तो ये वाला पार्ट टूटेगा इसका। फिलहाल इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी जो माउंटेन है वहां की तरफ को, पैडल मारते हुए जाता हूं, थोड़ा स्पीड से हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करके आते हैं कि क्या होने वाला है वहां पे। वैसे ना जो बड़ा माउंटेन होता है थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि वहां पे एक तो जो भालू होता है वो होता है, दूसरा पत्थर फेंकते हैं ऊपर से, तो ये दो खतरे हैं जिनसे मतलब थोड़ा सा डरना चाहिए मुझे। ये कलेक्शन नेट में आएगा हमारा? खैर ऐसे ही पकड़ दिया मैंने इसको। ऑफलाइन मैंने बहुत सारा ग्राइंड कर रखा है, तो वो सब अभी हमारे काम आएगा। मतलब बहुत सारा करने के बाद भी यही सब हमको मिला है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये वाली चेस्ट दिखाता हूं जिसमें इंपॉर्टेंट सामान है। 14 हमारे पास कॉपर के इनगेट है, मुझे नहीं पता कि क्या इससे बनेगा, बट मैंने अब मेरे को शायद नहीं करना चाहिए कलेक्ट। मेरे पास 7 इनगेट मेटल के हैं, और बाकी हाँ मेरे पास ग्लास है। तो अब जाके मुझे ना पहले ग्लास को रिसर्च करना है, क्योंकि पानी की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, और हमको ना बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। ये आलू कहाँ से इसमें है, कब से? रिसर्च करते हैं इसको। ओके मैं ये बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, और कुछ है लर्न करने के लिए? मुझे लगता है इसके अलावा और भी कुछ है। चलो ठीक है, अब जाके मुझे देखना कि जो पानी का वाटर प्यूरिफायर है ना वो बनेगा कैसे। एक ये है प्यूरिफायर, इसके लिए हमको चाहिए 4 ग्लास। तो मेरे पास अभी कितना ग्लास है? ओके दो है ना, 2 ग्लास मेरे पास ये है। मेरे को ग्लास चाहिए और शायद 2 से हो जाएगा। मैं ना प्यूरिफायर बनाता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारे प्यूरिफायर। अब जाके मुझे एक और चीज देखनी है कि जो हमारा ना ये है एंकर, तो अगर हम लोग उसको बना
बनाते हैं, मेटल इनगेट चाहिए, इसके लिए ये सब चाहिए, मैं इसको बना लेता हूँ यार। बार बार ना बहुत मतलब रिसोर्सेज हमारे खत्म हो रहे हैं, तो एक हमको ये चाहिए और मेटल इनगेट चाहिए हमको 7, रोप चाहिए हमको 6। तो रोप भी मेरे पास है अगर मैं देखूँ अच्छे तरीके से, शायद हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं इसको। मेटल इनगेट 3 चाहिए, मैं मेटल इनगेट निकाले नहीं क्या मैंने, 1, 2, 3 अब क्राफ्ट कर सकते हैं। अब जाके मुझे देखना है, बस ऐसा ना हो कि यार ये एक ही बार का यूज का, नहीं 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 ये एक बार के यूज का नहीं है। ओके, इसको लगाने की जगह भी तो होनी चाहिए हमारे राफ्ट में। अरे यार ये भी तो दिक्कत है, अभी तो हमारे राफ्ट, एक सेकंड में अपना राफ्ट ना थोड़ा बड़ा करता हूँ, अब कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके लग गया। अब मैं इसको ड्रॉप कैसे करूँ मेरे को सीखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी रिमूव नहीं, अभी तो मैंने इसको एक्टिवेट भी नहीं किया। एक सेकंड, ये कहाँ से इसका कुछ हैंडल वगैरह होगा क्या? ओ उधर है, मैंने उल्टा लगा दिया इसको। खैर कोई बात नहीं, बाद में हम लोग इसको कर लेते हैं। तो अभी हम लोग, अरे वाह ये बहुत सही चीज़ है यार। नहीं ऊपर नहीं करना है मेरे को, हाँ ड्रॉप करना है, ठीक है ड्रॉप हो चुका है ना। ओके ओके अभी कोई टेंशन नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, और जो भी मेरे पास काम का सामान है ना वो मैं पहले रख लेता हूँ। जैसे ये प्लास्टिक वगैरह है मेरे पास, और ग्लास है, ग्लास मैंने बनने रखा था ना, एक सेकंड, ग्लास बना के ही जाते हैं हम लोग प्यूरीफायर अपने लिए। ओके तो ये हो गया, तो हमारे पास 4 ग्लास हो चुके हैं, अब जाके हम लोग बनाते हैं प्यूरीफायर। ओके तो ये सब हो चुका है, अब मेरे को किसी ना अच्छी जगह इसको रखना होगा। ओके अब जाके मेरे को इसको भरना होगा पानी, तो ये ना हमारे मतलब बहुत ही काम आने वाला है। अभी क्या हो रहा है कि बार बार मेरे को पानी भरना पड़ रहा है इसमें, शायद एक बार में 2 कप, 3, 4, 5 कप आ रहा है इसमें एक बार में पानी। नहीं मार डाले उसको, 2 बार मरी मरी जाएगी सही में अगर ज़्यादा करेगी तो ड्रामे। इसको भी निकाल लेते हैं, और ये क्या है इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले एक बार गिफ्ट ओपन करके देख लेते हैं कि क्या नई रेसिपी हमको मिली हुई है। ओके तो हम लोग कैंडल स्टिक बनाना सीख गए हैं, यहाँ पर पानी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक के लिए शायद हमारा ये वाला भी काम कर जाए। तो अभी पानी ज़्यादा चाहिए अपने को, मेरे को यहाँ पे एक बैरल दिखा था। ओके ओके तो ये हो गया, और खाना अपना देख लेता हूँ कि खाने का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि ना कुक करने में भी तो टाइम लग रहा है, तो मैं पहले से ना कुक करके रख लेता हूँ चीज़ें। ये वो शायद फिश है जो एक बार में एक मैं कुक कर पा रहा हूँ, हाँ यही वो फिश थी यार। ओके तो अब जाके मेरे को बनानी है एक एक्स, मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं मेटल की बना लूँ, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है बार बार कि टूट जा रही है और थोड़ा टाइम लगता है उसको यूज करने में। ओके तो एक्स भी बन चुकी है, बाकी सारा सामान रख दो यहाँ वापस, और अब सब कुछ है अपने पास, ठीक है। प्लास्टिक की बॉटल, एक सेकंड बॉटल कैसे बनेगी, बॉटल बनाने का अभी नहीं आ रखा है, बाकी क्रॉप प्लॉट्स ये सब कुछ है। अरे वाह ये तो काम कर गया। एक सेकंड मेरे को देखना है कि क्या अब मैं इसमें पहले से वाटर भर सकता हूँ, नहीं पहले मेरे को ये खाली करना होगा। ओके मैं पी लेता हूँ पहले, ये बहुत सही चीज़ बना दी मैंने यार। ओके गाइस तो एक जग मैं पानी और लेके जा रहा हूँ, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे आइलैंड पे। वैसे एक सेकंड इसको कलेक्ट कर लेते हैं, मेरे को ना एक मेटल की जो स्पीयर है वो भी बनानी पड़ेगी। ये नहीं आयो इस जगह पर, मैं नहीं आया हुआ, ये नई जगह है। तो देखो यहाँ पर आने का मेरा मेन जो मकसद है वो यही है, पहले तो मैं मेटल ढूंढूंगा, दूसरा मैं यहाँ से वुड इकट्ठा करके लेके जाऊंगा, ठीक है। वुड बहुत काम आने वाला है हमारे। तो एंकर भी मैंने बना लिया, और ये मेरे को लगता है कि मैंने बहुत सही किया, क्योंकि बार बार ना एंकर टूट रही थी। ओके चलो मैंने ये भी क्राफ्ट कर लिया, और मैंने ये भी क्राफ्ट कर लिया, अब बाकी जो चीज़ें बची हुई है ये सब छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओ शिट, नहीं मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने एक और एक्स बना दी, जबकि मेरे को वुडन स्पेयर, मेटल वाली स्पेयर बनानी थी। ये भी मेरे को लग रहा है कि भर चुका है यहाँ पे, तो अभी छोड़ो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं, अभी पहले एक्सप्लोर करके आते हैं कि आइलैंड कैसा है हमारा, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ से चल रहे हैं, मैं ये लेके चल रहा हूँ। इसी से अगर उनको भी मारने का होता ना जो यहाँ आसपास घूमते हैं प्राणी, तो बड़ा मजा आता इससे, मतलब वुडन स्पेयर से मारने में कुछ ऐसा अच्छी फील्स नहीं। अभी नहीं जा रहा हूँ शूट, नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत महंगा सामान है, मैं 2x क्यों लेके आ गया अपने पास यार, नहीं मेरे को जाना पड़ेगा। शूट यहाँ भी आ गया तो, अभी नहीं पानी में भी आता है क्या, अभी नहीं पानी में शार्क है यार, इसको मेरे को मारना है ना, फिर यही तो दिक्कत है, इसको मेरे को मारना है। जैसे जैसे बच गया अभी तो यार, मैं ये वाली बना सकता हूँ, इसके लिए मेरे को मेटल इनगेट 2 चाहिए यार, मुझे समझ नहीं आया मेटल इनगेट 2 चाहिए इसके लिए, 2 कैसे लग रहे हैं इसमें, बहुत महंगा नहीं है मतलब यार सच में महंगा ही है। अब मेरे पास अभी तक इतना सारा मेटल था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो छोड़ो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम लोग चल ही रहे हैं। मैं ये वाला रख लेता हूँ इनकेस अगर जरूरत पड़ेगी इसकी भी, तो वैसे रात होने वाली है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले जो कलेक्शन नेट में हमारे पास सामान है वो सारा कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो यार इसने फिर से तोड़ दिया, तो इसलिए आज जब मैं अपग्रेड करूंगा ना इसलिए मेरे को मेटल ज्यादा चाहिए। अगर हमारे पास मेटल ज्यादा होगा ना तो हम लोग अपना जो राफ्ट है उसको अपग्रेड कर सकते हैं मेटल वगैरह लगा के, उसको मतलब शार्क प्रूफ कर सकते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली होने वाला है यार इतना आसान नहीं होगा। ओके गाइस तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, और मैं वापस से ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को उसने लास्ट टाइम पे मारा हुआ था आई थिंक, तो मैं ध्यान रखूंगा। ये देखो यार ये इससे कैसे बचूं मैं, ये तो मार डालेगा मेरे को यार, मैं कैसे बचूं इससे यार, मैं इसको किस तरीके से मारूं। आजा देखते हैं किस्मत आता है। अबे नहीं, अबे टूट गई मेरी वो। आजा दोबारा आजा आके दिखा दे एक बार यार कितना कितना कितना।
नहीं नहीं अभी मेरी हेल्थ खत्म होने को है, अभी नहीं, अब लड़के फायदा नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इससे लड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं मेरे पास क्या है काम का, ये और ये सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब अगर कुछ होगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले अपनी हेल्थ को रिजनरेट करने लेता हूँ, तब जाके मैं इससे फाइट करने वाला हूँ। यार रिस्की तो है इससे फाइट करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा, मेरे को आइलैंड जा, अभी नहीं हट जा, मेरे को आइलैंड पर जाना, और आइलैंड पर इसने राज जमा के रखा है, ये बैठा हुआ है आइलैंड पर, यार नहीं करने देगा मेरे को कुछ काम। ओके खाना रख लिया, पानी रख लिया, अब चल रहे हैं सीधे आइलैंड पर, ठीक है। मेरे को आइलैंड तो एक्सप्लोर करना ही करना है, क्योंकि देखो बिना यहाँ से जाए हम लोग एक्सप्लोर करे जा नहीं सकते। मेरे पास कुल्हाड़ी तो नहीं है वैसे, कुल्हाड़ी मेरे को लेके आनी चाहिए था ना, बट पहला गोल है हमको उनको मारना, वो जब मैं मार पाऊंगा ना तब जाके हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट खतरनाक होगा जो भी होगा। आ जा लग रही है, गया। इतना मुश्किल नहीं था, मैंने ऑलरेडी इसको बहुत मारा हुआ था। मैं इसको पिक नहीं, पिक कर लेता, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। इससे हमको लेदर वगैरह कुछ मिलेगा? ओके मैं अपने लिए लेदर का आर्मर बना सकता हूँ। ओके मैं पहले सीधे नीचे चल रहा हूँ गाइस। यार ये अगर मिल गया ना सही में बहुत सही हो जाएगा, आर्मर एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो देगा जहाँ तक मेरे को लगता है। लो ये मैंने ऐसी जगह पर राफ्ट लगा रखी ना। ओके तो हम लोग ना सबसे पहले रिसर्च करते हैं इसको। अभी एटलीस्ट पता है यहाँ पे एक सेफ चीज ये है, ये तो मीट है, ये हेड है। ओके मैं एक बार देखता हूँ कि कुछ चीजें नई आई हैं क्या लेदर के साथ में, लेदर का आर्मर वगैरह कुछ भी। यार मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ ना लर्न करने का ऑप्शन भी नहीं आया वहाँ पे। अच्छा एक सेकंड किसी ने तो कॉमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कि अगर हम लोग शार्क का हेड पहन के जाएंगे तो हमको कोई कुछ करेगा नहीं, है ना। तो मेरे पास शार्क का हेड है, अब अगर इसको मैं पहनूं, मैं एक बार देखता हूँ, मैं जाता हूँ ऐसे ही जाता हूँ, ठीक है। वैसे भी मेरे को इतना चाहिए नहीं, इससे करने क्या है हमको, मुझे नहीं पता। मैंने रख तो लिया अपने पास ये, लेकिन ना इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे कुछ पहनने का। ओके समझ में आ चुका है, पहन लिया, यही इसी में पहनना था ना। ओके पहन लिया मैंने, अभी जाके देखता हूँ कि क्या वो मेरे को कुछ करेगा नहीं, अगर नहीं करेगा तो मैं वापस आऊंगा। यार ना एक कुल्हाड़ी कुर्बान कर देते, इतना लंबा बार बार मेरे को वापस नहीं आना, तो मैंने एक कुल्हाड़ी लेके जाने वाला, वहां से मेरे को वुड काट के लेके आना बहुत सारा, तो हम लोग वुड काट के लेके आ जाएंगे। ऐसा होता ना कि शार्क भी नहीं डरते मेरे को देख के, तो मजा आ जाता, बट ऐसा होगा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। शार्क तो मतलब करेगी कुछ ना कुछ। चलो दो मेटल, इतना महंगा सामान लेके जा रहा हूँ मैं, अगर मर गया तो बहुत बुरा लगेगा, बट कोशिश करूंगा अगर मेरे को भालू भी दिखता है तो मारने की कोशिश करूँ उसको, जैसे मैंने इसको मारा था। मतलब उसको मुझे ना उससे बचना है और उसको मारते भी जाना है, उसके हेड पर मारने की कोशिश करनी है, ये सब करना है, तो हम लोग मतलब सही काम कर सकते हैं उससे। तो अभी मेरे को पहले देखना है वो भालू है किधर पे, मेरे को यही कहीं दिखा था वो दिख रहा है। ओके मुझे नहीं पता क्या होने वाला, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो डरेगा हमसे या फिर हमको कुछ नहीं करेगा। अभी तक उसने मेरे को देखा नहीं है, अब देखा है तो नहीं कुछ नहीं होने वाला इससे। नहीं डर रहा है शायद, अभी नहीं डर नहीं रहा है, तो मारना पड़ेगा मेरे को इसको। अबे नहीं ये मार डालेगा मेरे को, उशिट मार डालेगा, भागो यहाँ से भागो। यार नहीं हुआ नहीं, हेल्थ खत्म हो गई, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था गाइस, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे आ रहा नहीं आ रहा है, बट मेरे को यहाँ से जाना है और सीधे अपनी इसमें चढ़ जाना। अरे नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगा था कि कुछ होगा इससे, यार कुछ नहीं हुआ, मैंने कहीं तो देखा था पता नहीं बेकार देखा था जो भी देखा था। इसको कुक होने देते हैं, खाना वाना खा लेता हूँ, हेल्थ रिस्टोर करता हूँ, अब मैं उसको मार डालूंगा पक्का, अब इतना मुश्किल होगा नहीं उसको मारना। ओके मेरी आधी HP तो वापस आ चुकी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो मेरे को देखो सामने दिख रहा है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बस अभी अटैक ना करे, मेरी हेल्थ में सोच रहा हूँ वापस आ जाए, टाइम बहुत लग रहा है वापस आने में। पानी वानी पी लूँ एक बार, इसको खा के क्या पता आ जाए। ओके आ चुका, ले लो, अब मरेगा मेरा हाथ, दिमाग करो, मेरे को मार रहा था। लो गया। ओके मेरे को ना इसका हेड भी मिल चुका होगा, लेदर भी इकट्ठा मैं कर रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट फाइनली अब मुझे इसके अलावा दोबारा कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा जब पहली बार इसने मारा ना तो मुझे ऐसा लगा था कि यार ये तो मतलब इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, इससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मैं एक बार इसका हेड पहनूं, कुछ दिख रहा है क्या? अरे वाह सही दिख रहा है, मतलब इससे विजिबिलिटी में कोई फर्क आया नहीं, तो ठीक है हम इसको रख लेते हैं। अब मैं फटाफट से ना यहाँ से ये फिश ले जाने वाला हूँ। चलो अभी गाइज अब हम आराम से जाके एक्सप्लोर करते हैं आइलैंड को, ठीक है। काफ़ी देर हो चुकी थी यार, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें, यार मेरे को ये भी रख के आना चाहिए था लेदर, बट कोई बात नहीं, अब नहीं होगा शायद वहाँ पर, अगर होगा भी तो हम उसको मार डालेंगे। ओके तो यहाँ पर अब बहुत ही पीसफुल सा नजर आ रहा है एरिया। अरे ले ये क्या फेंक दिया मैंने, तो एक बार पहले ऊपर एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, ठीक है। देखता हूँ कि ऊपर जाने का रास्ता मुझे लग रहा है कि होना तो चाहिए यहीं कहीं से, यहाँ से है इसका रास्ता, ऐसा ही करके ऊपर जाने का रास्ता होगा। ओके समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो ऊपर देख के आते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे।
अब ये पत्थर फेंकने वाले ना आ जाए यार, इनको मारने के लिए मेरे को बो वगैरह चाहिए। उठा रहा है पत्थर, उठा रहा है वो, इसको तो मारने के लिए कुछ और ही चाहिए। क्या पता अभी मैंने हेड में वो पहन रखा। नहीं नहीं नहीं, उठा लिया उसने, उठा लिया। भागो यहाँ से भागो, एक जगह रुकना ही नहीं है। गिराया पत्थर, अभी नहीं गिरा दिया शायद। इसको अलग अलग पड़ी रहती है पत्थर से मारने की। मुझे कोई ट्री वगैरह क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे को अपनी एक्स से इसको काटना था, ट्री को कट करना था। मुझे देखना था वो क्यों ऊपर कुछ तो है, वही है जो चीज होती है हर बार, बट वहां से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं वहां पे इसलिए जा रहा हूँ गाइज, क्योंकि वहां पे ना कई बार चेस्ट वगैरह होती है और उसमें सामान होता है अच्छा खासा, जो हमको वैसे शायद मुश्किल ही मिले, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। यार इसको मारना थोड़ा मुश्किल तो है, बहुत तेज भाग रहा है। मेरे पास नेट लॉन्चर होता ना, मैं इसको पकड़ लेता। अरे बहुत तेज भाग रहा है, लेकिन एक ही जगह पर भाग रहा है, तो मैं शायद आइडिया लगा के इसको मार सकता हूँ। जैसे पड़ी, ये मरेगा भी? चार पांच मार दिए मैंने इसको, मरेगा ही नहीं यार। देखो नहीं, मुझे इमेजिन लग रहा है कि मरेगा ही। इसको छोड़ते हैं हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर और एक्सप्लोर करके आते हैं। रात भी हो रहा है, अंधेरे में खाली टाइम वेस्ट करा रहा है हमारा और कुछ नहीं। A few moments later. Okay guys, तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। जितना भी वुड लेके आना था वो मैं लेके आ चुका हूँ, और अब जाके मुझे थोड़ा चीजें अपनी सही तरीके से रखनी है। ठीक है, मैं लेदर लेके आया था, जो पहली बार का लेदर मिला था वो वाला लेदर मुझे देखना है। ओके, ये लेदर है, ये है, और मेरे पास एक हेड और है। ये देखो, ये दो हेड हैं हमारे पास, बाकी ये सब है, खाने को सब कुछ है, और यहाँ पर मेटल है। मेटल में एक बार सारा ना स्मेल्ट करने रख लूँ या फिर बाद में करूँ इसको? चलो छोड़ो, बाद में करता हूँ। तो अब जाके हम लोग फाइनली हैमर निकालते हैं, और जितना भी मेरे पास वुड है वो मैं वुड निकालता हूँ। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा है, एक बार देख लेता हूँ किस किस चेस्ट में। ओके, यहाँ पर प्लास्टिक भी चाहिए होगा हमको, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर प्लास्टिक है, रोप का आई थिंक उतना कोई काम नहीं होगा। वुड निकाल लेता हूँ, प्लास्टिक निकाल लेता हूँ। ठीक है गाइज, तो अभी जाके हम लोग ना, अब एक पहले इस वाली जगह पर ही हम लोग अपना राफ्ट का जो बेस है वो बनाएंगे, तो पहले ये हटा लेता हूँ। ओके, सब कुछ हटा लिया। अब जाके मुझे जो चीज़ें हटानी है वो हटानी है ये, तो पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। रिमूव होके मेरे पास आ चुका है ना। ओके, मैं इनको ना इन्वेंट्री में रखता हूँ एक। ओके गाइज, तो अभी मैं ये हटा रहा हूँ, मैं इनको अपनी इन्वेंट्री में नहीं रख सकता, तो मैं इसको यहाँ से एटलीस्ट हटा रहा हूँ, ताकि मैं अपना बेस जो बनाऊँ मेरे को कुछ आइडिया तो लगे कि मुझे कहाँ पर बनाना है, क्या करना है। अब इन सबको हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है, बट फिर मुझे लगा शायद ना हो। ओके गाइज, तो हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो वुडन फ्लोर आई थिंक मेरे को बनाना होगा। मैं एक बार देख रहा हूँ कि वुडन फ्लोर एक कैसा है। नहीं, ये तो वही वाला है, एक सेकंड, मेरे को एक बेटर वाला भी दिखा था इसमें। हाँ, ये वाला था। अगर मैं इसको अपग्रेड करूँ तो अपग्रेड नहीं हो सकता ना, इसको करें। ओके, अपग्रेड हो सकता है, तो ठीक है अभी हम लोग सिंपल वाला बनाएंगे, बाद में अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास वुड ज्यादा है नहीं, तो हम लोग उस हिसाब से बनाने वाले। अब मेरे को बनानी है वॉल्स। पहली वाला बना रहा हूँ गाइज, तो थोड़ा सा ना मुश्किल तो होने वाली है। ओके, फिलहाल मैंने सेल भी हटा ली, तो अभी मेरे पास जगह है यहाँ पर काम करने को। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वुडन की वॉल। तो हम लोग पहले ये बनाते हैं, चार और एक पांच, इतना हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। प्रॉब्लम तो यही है ना, ये जो बीच में हमारा हुआ। ओके, चल जाएगा शायद, चल जाएगा काम। ओके, तीन तो ऐसा कुछ बना रखा है। अभी मैं आगे इसको और एक्सपेंड करने वाला हूँ थोड़ा सा। अब हम यहाँ से ले लेंगे ये वाला, एक दो। अब मेरे को लेना होगा वॉल वाला। ओ, इसके लिए वो चाहिए मेरे को। ओके, समझ में आ चुका है। अबे हट जाओ, आ चुका है समझ में। मेरे को इसके लिए चाहिए कील, तो उसके लिए चाहिए, एक सेकंड, मेरी वो कहाँ गई? अंदर है ना सब कुछ, अंदर। ओके, समझ में आ रहा है। स्क्रैप से हो जाएगा शायद, आई थिंक। हाँ, क्राफ्ट नहीं कर रखा मैंने, नेल्स। ओके, एक तो कर रखा है मैंने क्राफ्ट, चलो अभी ठीक है, उसको ओपन। ओके, ये हो चुका है गाइज। अभी जाके मेरे को देखना है विंडो, हाफ वुडन विंडो। ओके, हाफ वुडन विंडो है मेरे पास, अलग अलग टाइप की। डोर मेरे पास कोई और थे क्या? मैंने नहीं, और थे वैसे, लेकिन सॉलिड वुड वाले ना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा हमको अभी, इसलिए मैं वो तो नहीं लगा रहा हूँ। इसमें से हम लोग सॉलिड स्टेयर नहीं, नॉर्मल वाली स्टेयर मेरे को लगानी है। इसको हम लोग रोटेट करेंगे ऐसे करके। ऑलराइट गाइस, तो अभी यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पे ना मुझे एक, मतलब मुझे यहाँ पे ना ऊपर देखो, इसमें जो रूफ बनेगी, पहले मेरे को उसके लिए नीचे शायद वुडन पिलर बनाने होंगे। तो एक पिलर ये बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। ओके, तो गाइज अभी बारी आती है अपने फ्लोर बनाने की। तो मैं बेसिक वाला फ्लोर ले रहा हूँ, सॉलिड वुड वाला बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। इसमें शायद ऐसा कुछ भी होता है कि नीचे भी, ये देखो, एक सेकंड, वुड कम नहीं यार। अभी मैं सबसे बेकार वाला वुड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी ये हाल है। इसीलिए मैंने, अगर सोचो मैंने सॉलिड वुड का बनाया होता कितना मुश्किल काम हो जाता है यार। ओके, समझ में आ रहा है मुझे। अभी हमको ना यहाँ से निकलना चाहिए गाइस, तो इसको हम लोग कर देते हैं बंद और यहाँ से निकलते हैं। मैं एक बार यहाँ पर देखता हूँ कि क्या हाल है, कुछ है मेरे पास वुड वगैरह।
यार बिना वुड के बहुत ही मुश्किल नहीं है ये काम। ओके मेरे पास सेल थी, मैं सेल को वापस लगाता हूँ और हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। अब मैं सेल यहाँ लगाऊंगा तो वो तो यार शायद उसको कुछ कर देगी। यार अभी मतलब स्टार्टिंग कर रखा है, इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए ये काम करना। गाइस जैसा भी होगा मैं ट्राई करूंगा कि यार एटलीस्ट मतलब हम लोग ओशन के बीच में जाएंगे ना तो वहां से हमको वुड वगैरह मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इतने सारे कलेक्शन नेट बना रखे। मुझे लगता है कि मुझे ना और बनानी चाहिए। रोप का बहुत ज्यादा यूज अभी तो नहीं हो रहा है इसमें घर वर बनाने में, तो हम लोग रोप को यूज कर सकते हैं। मतलब इतना मेरे पास बहुत सारे रोप हैं, मैं एक काम करता हूँ बल्कि सब ना रोप पहले से चीजें बना के रख लेता हूँ। मैं रोप क्राफ्ट कर लेता हूँ फटाफट से जितने भी है मेरे पास, क्योंकि रोप ही यूज होगी, वो जो रॉ मटेरियल है वो तो यूज नहीं होने वाला कहीं पे। ये हो गया और यहाँ पर भी जितना है एक जगह में सारा रखने वाला हूँ, फिर पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। ओके सारी रोप क्राफ्ट कर लेते हैं। ओके गाइस तो टोटल मेरे पास 17 रोप है यहाँ पे, ठीक है। और ये हिंजेस काम आते हैं तो इनको ऐसे रखने वाला हूँ मैं। मैंगो सीड्स है मेरे पास, पाइनएप्पल सीड्स हैं। ओके पत्थर है और ये रेसिपी है कोई, ये रेसिपी एक सेकंड हम लोग, ओ नहीं 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 ओके ये रेसिपी काम आएगी, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। चलो हमको यहाँ से निकलना होगा, थोड़ा सा पैडल मार के आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड है, वैसे मुझे ना गाइस आइलैंड को एक्सप्लोर करना था। मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आइलैंड है और इसके चारों तरफ आइलैंड के बहुत कुछ हो सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि मेरे को शार्क बेट बनानी पड़ रही है बार बार और फिर उसको मारना पड़ रहा है, जो टाइम मिल रहा है उसमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन अभी वही है कि मैं रास्ते से भटकना नहीं चाहता, मुझे जो काम करना है मुझे अभी वही करना है। तो ये हो चुका है। लेदर का क्या काम था वो मुझे याद नहीं आया। सेल में हमारे पास एक स्ट्रीमर है जिसके लिए हमको 6 प्लैंक चाहिए, ये बहुत काम आता है यार। चलिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और मेरे को नीचे स्क्रैप वगैरह काफ़ी कुछ दिख रहा है, बट यार अभी नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग चलते हैं सीधा ओशन के बीच में, पहले रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे। ओके गाइस तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर वुड इकट्ठा कर लिया, अगर आप लोग देखो तो पूरी मेरी जो स्टोरेज है वो फुल हुई है और साथ में यहाँ पर इतना सारा है। तो अभी यहाँ से मैं वुड निकाल रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम लग रहा है वुड इकट्ठा करने में। अभी मैंने एटलीस्ट इतना कर लिया कि मैं अभी इसको बिल्ड कर सकता हूँ। मैंने ना इसको थोड़ा तोड़ दिया क्योंकि वो गलत बना लिया था मैंने, तो अब हम उसको वापस से बनाने वाले हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे ना रूफ लगानी पड़ेगी ये वाली। ओ यहाँ पे ओ लग रही। ओके अब जाके मेरे को इसमें लगानी पड़ेगी ये वाली स्टेयर जो आई थिंक इधर से लगेगी, ठीक है। तो ये लग चुकी है और अब मेरे को लगानी यहाँ पर बाकी सारे वॉल्स। तो वॉल्स है हमारे पास ये वाली, इनको लगाने के लिए मुझे शायद इधर से करना होगा और यहाँ पर हमारा कुछ सामान आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे को ट्रायंगुलर वाली वॉल भी है हमारे पास, नॉर्मल वाली वॉल लगानी पड़ेगी। ओके यहाँ पर नहीं बड़ी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं ये वॉल लगा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं वॉल लगाता, बट यहाँ पर मेरी स्टोरेज यार ये मेरे को हटाऊंगा ना तो बहुत दिक्कत करने वाली है। ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वॉल, ये कुछ ज़्यादा आगे नहीं आगे, मेरे को लगता है कि ये वाली वॉल ना मुझे एक खिसका के यहाँ पे लगानी चाहिए, ऐसे 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 और ऐसे करके। ये देखो यहाँ पे ये आ गई, तोड़ दिया उसने। ओके कोई बात नहीं, चलो इसको फिक्स कर लेता हूँ मैं अभी, और शायद कहीं पर उसने और तोड़ा था ना, तो इसको मैं फटाफट से रिपेयर कर लेता हूँ। मैं इसको ना बाद में प्रोटेक्ट भी करूँगा, तो अभी मैं उतना ध्यान उस चीज़ पर नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं बस अपना जो काम है वो कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब ऐसा कम वम नहीं पड़ने चाहिए, वुड अपने पास हो चुके हैं बहुत सारे। चलो तो ये उतना हो चुका है, मेरे को ये वाली वॉल ना तोड़नी पड़ेगी क्योंकि वही है कि पहली बार बना रहा हूँ राफ्ट में बेस अपना, तो उस हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगी ना चीज़ें कि कैसे क्या करना है। तो मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी रहेगा, अब जाके मेरे को ना ये हटाना ही पड़ेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ना मैं ये सोच रहा हूँ कि एक और फाउंडेशन वाला कुछ तो था हमारे पास ना, अब अगर यहाँ पे इसको लगा दूँ, नहीं पहले मेरे को हाँ से इसको हटाना पड़ेगा। ओके अब मैं यहाँ पर अगर फाउंडेशन वाली वो लगाता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर चेस्ट वगैरह रखने का कुछ बना पाऊँगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके पिलर लगाने पड़ेंगे, तो पिलर मैं लगा रहा हूँ, शायद अभी हो जाए। अब जाके ट्राई करता हूँ अगर मैं ये रूफ लगाऊँ यहाँ पर, हाँ हो गया। और अब अगर मैं इसमें वो चेस्ट रखूँ अपनी, रख सकते हैं आराम से रख सकते हैं। तो ये बहुत सही हो चुका है। अभी मैं पहले ना सो जाता हूँ, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब बार बार तोड़ना भी पड़ रहा है क्योंकि वही है कि हमको चीज़ें सही से रखनी। अब मैं यहाँ पर वापस इन्वेंट्री में सामान रखना स्टार्ट कर देता हूँ, बल्कि ना अभी मैं पहले इसमें सिर्फ वुड रख रहा हूँ अपना, ठीक है। और वापस ये सब सामान उठाता हूँ। एक काम मैं करता हूँ, मैं ये वाली भी ना हटा लेता हूँ चेस्ट। अब ये वाली चेस्ट मेरे पास आ गई क्या? नहीं आई ना। चलो मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ ये सब। और क्या है हमारे पास? ये है काम का सामान। हाँ मेरे को ये मशरूम मिले थे, इसको अभी मेरे को ना रिसर्च करना होगा। अभी रिसर्च टेबल अपने पास है नहीं, मैं तो मैंने रखी हुई है वो, इसलिए मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग इसको करेंगे रिसर्च भी, देखते हैं कि इसमें क्या है। अब मेरे को देखना है कि क्या वो चेस्ट आ गई हमारी। ओके दूसरी वाली चेस्ट भी आ चुकी है, तो दूसरी चेस्ट हम लोग यहाँ पर रख देंगे मस्त करके ये।
और इसको तो ओपन कर ही लेते हैं जो गिफ्ट है मैंने ना। हाँ मैंने बहुत सारी कलेक्शन नेट लगा रखी है, अगर आप लोग यहाँ पर देखो फिलहाल मेरे को एक ये दिख रहा है, मैं इसको कलेक्ट कर लूँ क्या? ओके, तो बहुत सारी कलेक्शन नेट लगी हुई है यहाँ 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 सब जगह, फ़ायदा हो रहा है उसका, इसीलिए मैंने वो लगा रखी है। तो एक सेकंड मुझे ना एक यहाँ पर भी मुझे उसके लिए शायद कील वगैरह चाहिए कुछ। पहले मैं मेटल इनगेट्स वगैरह यहाँ रख लेता हूँ, ये सब हटा दो, ये मेटल इनगेट रख लिया, ओके नहीं रखा, ये भी रख लेता हूँ, प्लास्टिक काम आएगा, प्लास्टिक हटा लेते हैं, बाकी ठीक है, हाँ ये रख लेता हूँ। ओके अब यहाँ से सब कुछ हट चुका है, अब मैं एक बार ना वो निकाल लेता हूँ कि मैंने कील कहाँ रखी हुई हो, ये है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा वाला एक और बनाए तो ये बढ़िया लग रहा है अभी, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर लगा दें एक ट्रायंगुलर वॉल, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा, बट अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, अभी मेरे को वॉल बनानी है, तो हम लोग ना वॉल बनाते हैं। ये उतना दिखने का अच्छा नहीं लग रहा मेरे को पता है, बट क्या करें, अभी हमको करना ही पड़ेगा, फिलहाल खाना खाना पड़ेगा मेरे को कुछ। ओके अब जाके हम लोग पहले तो इसको फिक्स करते हैं, और ये एंट्रेंस हो जाएगा हमारा, अरे नहीं ये वाला हमारा एंट्रेंस हो जाएगा। एक सेकेंड, एंट्रेंस के लिए कुछ है क्या? कुछ मेरे को लगा नहीं ऐसा। अबे इसने दिमाग ख़राब कर दिया, ये मर नहीं रही, मैंने बहुत देर से इसको ना मतलब बहुत मार लिया। और हाँ गाइज ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं अभी एक आइलैंड पर गया था, मैंने शार्क को मारा वहाँ पे, और उसके बाद उस आइलैंड में मेरे को इतना सारा मेटल, मेरे पास 15 मेटल है। अभी मैंने उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि वापस फिर शार्क आ चुकी थी, तो मैंने छोड़ दिया था, वरना मेरे पास बहुत सारा हो चुका है। ओके गाइज तो इतना तो ठीक हो चुका है, मतलब मेरे को ठीक लग रहा है। ऊपर देखो हम लोग ना ऊपर वैसे वाली रूफ भी बना सकते हैं, बट ये एक बहुत काम की है क्योंकि इससे हमको ना ऊपर चढ़ के हमको बहुत सारी चीज़ें लगानी है बाद में, जो एंटीना वगैरह या फिर जो भी आएगा। अभी फिलहाल ये भी लगाने के लिए बहुत सही हो रहा है ऊपर, तो अभी मैं वापस से ना ये शॉर्ट वाली जो वॉल है वो लगा रहा हूँ यहाँ पे। सॉलिड वुड की होती तो बहुत अच्छी लगती, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है हमारे पास, मतलब हम लगा अफोर्ड नहीं कर सकते उतना तो। और ये हो गया, अब यहाँ पर ना मुझे एक वॉल चाहिए, इसको अगर मैं रोटेट करके, ये है बहुत सही। तो इतना सब कुछ हो चुका है, हमारा जो राफ्ट एकदम अच्छा सा लग रहा है। ओके गाइज तो ये इतना बन चुका है, अब जाके मुझे रखनी है यहाँ पे भी चेस्ट, तो हम लोग निकालते हैं ये। एक सेकंड मैं चेस्ट देखता हूँ कि वो चेस्ट कितना स्टोरेज ले रही है। स्क्रैप चाहिए इसके लिए, रोप चाहिए इसके लिए, हिंज चाहिए, तो थोड़ा तो कॉस्टली है बट इसमें ना स्पेस ज्यादा है और दिखने की अच्छी लग रही है। तो मेरे पास ना हिंज रखा हुआ है, मुझे याद है ऐसा, हिंज तो है हमारे पास, हिंज कहीं तो था यार, कहाँ चले गया? ओके है हिंज हमारे पास, दो से काम चल जाए। ओके कर लिए, वो चेस्ट यहीं पर आ सकती ना आराम से, हाँ अच्छी बात है, और यहीं पर आ रही है। एक सेकंड अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो स्पेस भी हमको बचाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ चार चेस्ट हैं, अभी धीरे धीरे करके ना चेस्ट बहुत लगने वाली है। तो ओ एक सेकंड ये ना वॉल पर लग रही है चेस्ट, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे एक वॉल बनानी पड़ेगी छोटी सी, जो यहाँ पर आई थिंक लगेगी और ऐसे लगेगी। ठीक है चलेगा। मुझे ना पता नहीं चल पा रहा कि मैं कितना आगे आ रखा हूँ और कितना पीछे, बट काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है मेरे को देखने में। और यहाँ पे मुझे लगानी थी ये वाली, बहुत कलेक्ट कर रखा है यार ये, मतलब इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अभी जो मैं कह रहा था ना कि 30 के अराउंड होता है शायद, अगर हम लोग पूरा 30 वाला लंबा बना दें उतना, जो अपनी नेट है मतलब 30 नेट एक सीध में लगाते हैं, तो हम लोग सब कुछ जितना भी हमारे आसपास से गुजर रहा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर एक राफ्ट दिख रही है, मेरे को ना एक चीज़ देखनी कि क्या मैं लैंटर्न बना सकता हूँ क्या? लैंटर्न के लिए हमको क्या चाहिए? ओके अरे वाह यार मुझे मतलब क्या बोले, इससे बेटर क्या हो सकता है, मुझे लैंटर्न ये सब चीज़ें मतलब कितनी पसंद है आपको पता ही है। तो एक मैं लगाने वाला हूँ, यहाँ कहीं पे लग सकेगा यार, ये तो जल रहा है, ये वाला था क्या ये? अरे नहीं ये कुछ खतरनाक ही है। एक सेकेंड, ये वॉल पर कहीं पर लगा दूँ, कुछ जले वले ना यार बस। ओके एक यहाँ पर लगा दिया मैंने, ओके एक सेकेंड, लैंटर्न ये वाली है, लैंटर्न क्यों है यार, लैंटर्न ये कौन सी है, ये क्या है, फायरप्लेस है, इसके लिए मेरे को चाहिए 8 क्ले। तो क्ले भी आई थिंक मेरे पास होगा, मैं बना सकता हूँ इसको, बट फिलहाल जो मेरा फोकस है, एक बार सो ही जाते हैं पहले, जो मेरा फोकस है वो है कि अपना स्टोरेज एरिया बनाना और अपना जो फाइनेंस वगैरह वो सब मेरे को रखना, तो वो मैं कर रहा हूँ अभी। तो खाना। ओके मेरे पास है यार, पहले से ना प्रिपेयर करके रखना पड़ रहा है खाना। ओके और मेरे पास फिश वगैरह है क्या, एक बार देख लेता हूँ, मेरे को फिशिंग भी करनी पड़ेगी वरना, क्योंकि खाना अभी हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है गाइस। तो ये मैं कहीं पर ना इधर रखने का सोच रहा हूँ कि मैं इसको इधर रख सकता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है यार, रोटेट करूँ, नहीं रोटेट नहीं करना, ऐसे रख रहा हूँ, और दूसरा यहाँ पर। वैसे मेरे पास दो से ज़्यादा हैं बट अभी मुझे लगता है कि दो ही रखने चाहिए,
अब जो मेन गोल है वो ये है कि अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा स्टोरेज आ चुका है, ठीक है। अब ऊपर वाली सारी चेस्ट खाली करता हूँ, यहाँ पे जो भी रोप प्लास्टिक जो भी दिख रहा है ये सब हटाता हूँ यहाँ से। पहले से सिर्फ ना एक टाइप की चीज़ें रख रहा हूँ, प्लास्टिक भी निकाल लेता हूँ, रोप और नहीं है, चलो पहले ये सब रखता हूँ मैं यहाँ पे इस वाली चेस्ट में। हमारे पास है रोप, हमारे पास स्टोन स्क्रैप, ये सब रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो चाहिए। तो ये मैं रख रहा हूँ यहाँ पर अपनी स्टडी टेबल, या कह लो जिसमें हमको पूरा वो करना है, हमारी रिसर्च टेबल, ठीक है। तो ये हो चुका है, यहाँ पर मैंने सामान रख लिया है। यहाँ पर भी और कुछ सामान आ सकता है वैसे, तो इस वाले में मैं जो कीमती सामान है वो रख रहा हूँ, जैसे ये रेसिपी हो गया, मैंगो सीड भी काम आएंगे हमारी, और रोप तो वही इसी वाली में। अभी मैं वैसे शॉर्ट करके तो नहीं रखना चाह रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा बेटर ही करना चाह रहा हूँ इसको, और कुछ नहीं। लैंटर्न मैं बनाने की सोच रहा था, बट वो लैंटर्न वो वाली नहीं बन रही जो मैं, ये लैंटर्न है क्या, फायर बास्केट है, ये लैंटर्न थी ना, ओके ओके, इसके लिए मेरे को ग्लास चाहिए। ओके ओके, मैं ये ग्लास है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना सैंड है, मैं उसको स्मेल्ट करने रखता हूँ पहले। मेरे पास एक ग्लास भी है, तो पहले तो सैंड को स्मेल्ट करने रखता हूँ। वुड नहीं है क्या अपने पास, है तो ठीक है, तो ये हो गया, मेरे को इसको प्रोटेक्ट भी करना। तो काफ़ी कुछ सामान आ चुका है एक बार, सामान रखूँ जल्दी से, फिलहाल ऐसे ही रखूँ, इसको उठाता हूँ, ये सब गायब हो जाएगा वरना क्या क्या आ रखा है मुझे नहीं पता, बट बहुत सारा सामान आ रखा है। एक बार मैं वुड पहले यहाँ से हटाता हूँ, स्टोन आ रखा है, इसको ले लेते हैं, बहुत ही सामान आ रखा है यार अभी तो, मतलब आधी हो रखी है। यह है, यह है स्क्रैप है हमारे पास, गिफ्ट है ये वाला जो भी है। आज तो मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया ना, मैंने कुछ भी नहीं करा, मतलब मैं मेहनत करता तो शायद इतना आता भी नहीं। ये देखो वुड, देखो तो आप कितना वुड आ रखा है। तो अब मैं इसको सॉलिड वुड से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, बट पहले मैं थोड़ा ना चीज़ें कर रहा हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो अभी ये सब हो चुका है, अब मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ से ग्लास निकालना है, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को चाहिए स्क्रैप। फिलहाल ये जो मेटल है ना गाइस, ये बहुत ही कीमती है, इस मेटल को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्क्रैप। तो हम लोग बनाते हैं लैंटर्न यहाँ पे, एक दो, फिलहाल दो बनाते हैं, दो से देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये जो लैंटर्न है मैं एक तो लगाने वाला हूँ यहाँ कहीं पे, अरे वाह, और दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि इधर कहीं पर लगा दें हम लोग, और बनाने चाहिए थे मुझे वैसे लैंटर्न के लिए। स्क्रैप तो हमारे पास है, ग्लास शायद कम, स्क्रैप भी कम, एक सेकंड, स्क्रैप बट है मेरे पास, बस एक और लगा रहा हूँ इस कॉर्नर में, ठीक है, एक यहाँ पे एक, अरे वाह बहुत सही लग रहा है। ओके गाइज, तो अब जाके ये सब काम भी हो चुका है, अब जो दूसरा काम करना है वो ये, मैंने यहाँ पे ये सब रख लिया, अब मुझे यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें रखनी है ना। पाइनएप्पल सीड्स हैं, मैं पाइनएप्पल सीड्स लगा सकता हूँ, एक ही तो सीड था मेरे पास यार। ओके, मेरे को सीड और लेके आना पड़ेगा, मुझे लगता है ना कि इसको हटा ही देना चाहिए। हम लोग एक और बना सकते हैं, ये वाला स्क्रैप चाहिए अपने को, ओके, क्योंकि अब ना मैं सीड्स लगाने वाला हूँ, तो सीड्स लगाने के लिए मतलब चाहिए अपने को सामान थोड़ा। ये मैंने बना तो दिया, अभी मैं इसमें वाटरमेलन सीड्स लगा रहा हूँ, और ये मैंने, मुझे लगता है कि यार ये ऐसे ही है, टेम्परेरी बेस पर काम करने वाले हैं। दो मैंने बना दिया, थोड़ा टाइम तो चल जाएगा, उसके बाद फिर से बना लूँगा, लेकिन शायद किसी ने मेरे को कॉमेंट, ये पानी नहीं चाहिए, किसी ने मेरे को कॉमेंट किया था कि इसको करने के लिए मुझे वो चाहिए होगा, कि इसमें मेरे पास ऊपर से मेरे को कुछ रूफ वगैरह टाइप की ऐसे कुछ बनानी पड़ेगी, तब शायद ये सही हो पाएगा, तो वो मैं करूँगा, बट अभी टेम्परेरी इसको ऐसे यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कैसे क्या हो रहा है। अब जाके बारी आती है गाइस, पहले तो ना सामान हटा लेता हूँ जो भी मेरे को मिल रहा है, जितना भी सामान है इकट्ठा कर लेता हूँ। ये देखो पूरे बक्से बक्से भरे भरे पड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान है। ओके, मुझे नहीं लगता कि इतना सामान मैं रख भी पाऊँगा, मेरे पास जगह बची है क्या, अभी है वैसे जगह, ये सब हटाओ। ओके गाइस, तो अब बारी आती है इसको आर्मर वाला ये देने की, ठीक है। इसके लिए मेरे को चाहिए एक इनगेट, तो मेरे पास ना जो मेटल था मैं, ये है मेरे पास 17 मेटल है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेटल को अपना स्मेल्ट करने रख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लास रखा हुआ था, ओके, मैंने कंटेनर बना लिया, अब जाके मैं देखता हूँ कि कंटेनर का यूज़ क्या होने वाला है, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग चार बन चुके हैं, ओके, इसको शायद हम लोग पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं एक सेकंड, मैं इसको कहीं पर अगर रखूँ, ये क्यों बना दिया मैंने, क्या है इसको रखने के लिए कोई टेबल वगैरह, एक सेकंड मैं कोई टेबल वगैरह बनाता हूँ, हमको शायद कोई टेबल वगैरह चाहिए होगी, नेल है हमारे पास, ओके, एक टेबल मैंने बना लिया जो हम रखने वाले हैं यहाँ पे। यार इसको रखने का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा कहीं पे, कैसे हो गए, चलो मैंने फालतू में बना दिया कुछ भी, इसको छोड़ो अभी। अब जो बारी आती है ना इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो वो है कि एक दो तीन चार, तो एक तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कॉर्नर में, एक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मेरे को नेल चाहिए, मैंने नेल बहुत सारे बना के रखे हुए थे। ओके, मेटल इनगेट अपने पास है काफ़ी सारा, मुझे लगता है कि स्क्रैप शायद अपने पास थोड़ा कम है, हाँ मुझे लग रहा है स्क्रैप अपने पास थोड़ा कम है, तो वहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, इस साइड का तो एकदम पक्का हो चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला, अब बाकी साइड भी करना है, बट मेरे पास ना नेल्स थोड़े से कम है,
और कहीं पर शार्क दोबारा आ चुकी है। मर गई। ओके खाना आ चुका है बहुत सारा, तो खाना भी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी एक सेकंड, तो खाना मैं ये खा रहा हूँ अभी, कुछ भी खाना है मुझे फिलहाल। और यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से इसने पूरा मतलब हमारा ये तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर वाला लगा दूँ तो कैसा लगेगा? हाँ सही है। ओके गाइस, तो अभी ना मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एटलीस्ट जो बाहर बाहर की वॉल है ना उनको मैं चेंज कर रहा हूँ सॉलिड वुड से। और देखो कितना सही लग रहा है, कितना चेंज हो गया ना। मेरे पास जितना भी वुड है मैं पहले एक साइड का कर रहा हूँ ताकि जो दिखना है वो अच्छा लगे दिखने में, और उसके बाद हम लोग बाकी साइड का करेंगे, ठीक है? तो इतना हो चुका है। ये क्या गिरा मेरे? वो चेस्ट निकल ली वहाँ से। ओके दीवार चेंज हो रही ना, इसलिए समझ में ध्यान से करना पड़ेगा मेरे को। पहले ये सब यहाँ से रखता हूँ कीमती सामान, चेस्ट को मैं वापस रख रहा हूँ। अभी मेरे को चेस्ट लगानी पड़ेगी यहाँ पे ऐसे वापस, और जो भी सामान है वो रख लेते हैं वापस यहाँ पे। ओके गाइस, तो अभी तक ये इसी में लगी पड़ी, यानी कि काफ़ी चल जाता है, इसकी ड्यूरेशन काफ़ी है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा सामान है, अभी मैं फिलहाल खाना खाने पर ध्यान देता हूँ। मैंने एक आइलैंड के पास एंकर डाला हुआ है, यहाँ पर जाके ना मैं नीचे से, अब थोड़ा ध्यान से मेरे को करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा स्क्रैप निकालने वाला हूँ, क्योंकि स्क्रैप वहीं से हमको मिल सकता है, और उस स्क्रैप को मैं यूज़ करने वाला हूँ बाकी सारे काम के लिए, ठीक है? तो एक ये कहाँ से निकली हुई है, इसको मैं लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, अंदर की दीवारें छोड़ के वैसे काफ़ी सही लग रहा है बाहर से। अब वुड मेरे पास ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसको करना। तो प्लास्टिक ये सब हटा लेते हैं, ये मेरे को लगाना है वापस से ऊपर। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से पहले ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा मैं वुड काट के लेके आ जाता हूँ और फिर हम लोग उस वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा पहले अपग्रेड करना है, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा स्क्रैप इकट्ठा करना है, तो जल्दी से ये काम मैं करता हूँ। मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, तो अभी मैं मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है सामान इसको करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, बट मैं थोड़ा बहुत इसको कर रहा हूँ जितना भी कर सकता हूँ। पहले तो इसको मेरे को इसी से करना पड़ेगा, आई थिंक इससे कर लेता हूँ। यार मेरे पास वुड नहीं है क्या? एक सेकेंड, वुड तो होगा मेरे पास, थोड़ा बहुत वुड यहाँ पे, वुड भी ख़त्म हो चुका अपने पास, दिक्कत तो ये है। तो ये कर लेते हैं, अब जाके मैं इसको गार्ड वाला लगा रहा हूँ यहाँ पे एक, आई थिंक मेरे को यहाँ पे लगा लेना चाहिए एक, या फिर यहाँ वाले, हाँ ये कॉर्नर पे लगा लेता हूँ एक, और एक दो तीन चार एक यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो रखा है। यहाँ वाला कॉर्नर मेरे को सेव करना है, पहले तो इसने इसको बिल्कुल ख़त्म कर ही लिया, तो इसको पहले रिपेयर में, नहीं रिपेयर नहीं कर सकता, एक सेकेंड मैं इसको ना काटता ही हूँ, और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ दूसरा वाला कॉर्नर, रोटेट करके लगा लेते हैं। चलो ठीक है, हमको इसमें भी लगाना है गार्ड, और यहाँ पे लगाने के लिए ना इस साइड को, इसको अभी छोड़ते हैं, मेरे को इस साइड में लगा लेना चाहिए पहले। हाँ एक दो तीन चार, वैसे यहाँ पे लगा ही हुआ है ना, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। चलो ठीक है गाइस, तो अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं कर लेता हूँ रिपेयर, जैसे कि ये था, ये तो ऑलरेडी रिपेयर है, और अब जाके मुझे जो ये वाला पार्ट है ना इसको हटाता हूँ पहले एक बार यहाँ से, क्योंकि इसमें पानी भरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। इसको मैं लगाता हूँ यहाँ कहीं पर, तो यहाँ पे एकदम सेफ है, यहाँ पे इसको कोई कुछ नहीं करने वाला। अब इसमें भर देते हैं हम लोग पानी। तो यहाँ से मैं मेटल लेने की सोच रहा था, बट ऑलरेडी हम आज काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको अभी अगले एपिसोड के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको पूरा सही तरीके से जो अपग्रेड है, अपडेट है, वो कर नहीं सकते, है ना? इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मेरे पास वाटरमेलन सीड है एक, इसको लगा लेते हैं ऊपर। अभी तक तो इसने बचा के रखा हुआ है, ये भी हमारा लग चुका है, यहाँ पे ये लग चुका है, लैंटर्न लग चुकी है, काफ़ी कुछ सही हो चुका है। अंदर की जो रूफ है ना वो मेरे को अपग्रेड करनी है, अपडेट करनी है उसको, लेकिन अभी हमारे पास वुड ख़त्म है। जितना वुड था सारा का सारा वुड यूज़ हो चुका है, काफ़ी कुछ वुड था, मैंने काफ़ी कुछ यूज़ कर लिया। एक बार मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं इनको चेंज कर पा रहा हूँ। मेरे पास नेल्स नहीं है ना, ओह नेल्स नहीं है वापस से। तो अब जाके स्क्रैप की वैल्यू समझ में आ रही, मतलब स्क्रैप काफ़ी कुछ था, ख़त्म कर लिया था मैंने, लेकिन वापस से हमको चाहिए होगा और ये सब करना होगा। तो फिलहाल गाइस ये देखो हमारा जो राफ्ट है, बहुत ही मतलब बेसिक सा है, बट काफ़ी कुछ चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं पहले से। गुड थिंग्स कम टू दोज हु फ्लोट। अरे वाह, तो यहाँ पर रह रहा है थोड़ा सा, और स्टोरेज में ये सब हटाने वाला हूँ, टेम्परेरी है, बाकी सारा स्टोरेज ऐसे ही होगा। ये थोड़ा सा लाइनअप नहीं हुआ है, अभी मैं इसको हटाऊंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये मैं सोच रहा हूँ कि नीचे पूरा ना स्टोरेज करूंगा, इसमें मतलब कि 8 चेस्ट आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये सब आ जाएगा, यहाँ पे ना नीचे पूरा फर्नेंस, और उसके ऊपर मैं चेस्ट रख दूंगा या और कुछ सामान, ताकि मेरे को ना दिखे। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रही है इससे ऐसे निकालने में ना, ऊपर दिखना चाहिए, तो वो सब है ऊपर कोई आ रखा है देखो। लेकिन हाँ ये इसमें बिजी रह रहे हैं ना, ये बहुत सही चीज़ है। तो फिलहाल गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड कर लेते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, बहुत ग्राइंड किया, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।